मन्नासो फंगा वायो। दोस्तों, जैसे जैसे बांगतन बॉयज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे बांगतन बॉयज को लेकर कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। और अब ऐसी ही एक और न्यूज दो दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने ग्लोबल BTS आर्मी को काफी डिसअपॉइंट किया है। इस पूरी कंट्रोवर्शियल न्यूज के बारे में हम आपको डिटेल में बताएं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप बांगतन बॉयज की हर न्यूज से अपडेटेड रहते होंगे तो आपको याद होगा कि लास्ट मंथ RM और V ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एशले पार्क की क्लिप शेयर की थी, जिसमें एशले पार्क BTS का ही सॉन्ग डायनामाइट सिंग कर रही थी। हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि एशले पार्क अमेरिकन TV शो एमिली इन पेरिस 2 की कास्ट मेंबर हैं, जो अपने शो के प्रमोशन के लिए अमेरिकन शो जिमी किमल लाइव में गई थीं, जहां जिमी ने एशले से पूछा कि RM और वी ने आपकी परफॉर्मेंस क्लिप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी, तो उसे देखकर आप कैसा फील कर रही थी। तो एशले ने कहा कि वो BTS की बहुत बड़ी फैन है और ऐसे में RM और वी का उनके वर्क को अप्रिशिएट करना उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे एशले ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि RM और वी ने उनकी परफॉर्मेंस क्लिप शेयर की है, तो वो इतनी खुश थी कि खुशी से उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्हें फीवर आ गया हो। लेकिन जब उन्होंने चेकअप कराया तो उन्हें पता चला कि उन्हें कोविड हुआ है। जिसके बाद जिमी ने कहा कि आपको क्या लग रहा था कि आपको BTS फीवर हुआ है। आगे जिमी ने कहा कि वैसे तो BTS और कोविड दोनों ही काफी डेंजर हैं, लेकिन आप लकी हैं कि आप ठीक हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जिमी इतना कहने के बाद भी नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ BTS ही डेंजर नहीं है, बल्कि BTS आर्मी भी काफी डेंजर है, जो कभी कभी आप पर अटैक भी कर सकती है। और मजाक करते हुए कहा कि हो सकता है कि अभी भी पार्किंग में हमारा इंतजार कर रही हो। और जब से ये इंटरव्यू वायरल हुआ है, तब से लगातार इस इंटरव्यू को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकन शो में BTS का मजाक बनाया गया हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले जेम्स कॉर्डन ने भी BTS मेंबर्स को अनयूजुअल गेस्ट और आर्मी को ना समझ बच्चे कहा था। वेल, मुझे लगता है कि आर्मी से ज्यादा तो जिमी ज्यादा ना समझ है, जो जेम्स कॉर्डन का हाल देखकर भी नहीं सीख पाए कि इंटरव्यू में BTS या आर्मी के बारे में सोच समझ कर बोले। शायद उन्हें पता नहीं है कि जेम्स कॉर्डन को BTS और आर्मी का मजाक बनाने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। और जिमी जब तक इस स्टेटमेंट के लिए माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें आर्मी नहीं छोड़ने वाली। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आपकी जिमी के इस स्टेटमेंट पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, उरी द मैं तो बायो।